वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे साल 2021 में मलयालम लैंग्वेज की फिल्म मड़क्कल लायन ऑफ द अरेबियन सी के बारे में छह दोस्तों, जिसको रिसेंटली हिंदी डब वर्जन में अमेजन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल किया गया है। तो उसके बाद मैंने इस पिक्चर को देख लिया है। तो इस पिक्चर के हिंदी डब वर्जन को देखने के बाद ये पिक्चर मुझे कैसा लगा है, कि ये पिक्चर आपको देखना चाहिए या फिर ना चाहिए, यही सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बातचीत ना करते हमारी आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मड़क्कल लायन ऑफ द अरेबियन सी, जो कि साल 2021 में मलयालम लैंग्वेज की एक हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा फिल्म थी, जिसके लीड रोल आपको नजर आएंगे मोहनलाल, अर्जुन सर्जा, कीर्ति सुरेश, सुनील शेट्टी के अलावा और भी काफी सारे कलाकार। जहां पर दोस्तों बात करें इस 3 घंटे लंबी पिक्चर को देखने के बाद ये पिक्चर मुझे कैसा लगा है, तो ये पिक्चर मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन है। तो पहले बात करें इस पिक्चर की कहानी की, मैं यहाँ पर स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत आइडिया देता हूँ। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस पिक्चर की जो कहानी है उसको रियल इंसिडेंट से लिया गया है। तो इस पिक्चर की जो रियल कहानी आती है उसको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। 1520 साल से 1600 साल के अंदर जो 80 साल आती है, उन्हीं 80 सालों में टोटल 4 मड़क्कर ने पुर्तगाल के खिलाफ लड़ाई किया था, और उन्हीं 4 मड़क्करों में से जो लास्ट था यानी कि कुंजली मड़क्कर, उनकी जिंदगी को आधारित करके इस पिक्चर को बनाया गया है। और इस पिक्चर की कहानी के अंदर आपको कुंजली मड़क्कर की पूरी जिंदगी की कहानी को दिखाया गया है, कैसे कुंजली मड़क्कर पुर्तगाल के खिलाफ लड़ाई किया था और आखिर में जाकर कुंजली मड़क्कर के साथ क्या हुआ था, यही सारी चीज को आपको इस पिक्चर के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। जहां पर इस पिक्चर की कहानी की बात करते हुए, कहानी को काफी अच्छी तरीके से सेटअप किया गया है, जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छा भी लगा है। लेकिन इस पिक्चर की जो लेंथ है वो इस पिक्चर की सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। भाई सिर्फ 3 घंटे की रन टाइम है, जो कि मुझे फील हो रहा था कि यार बहुत ही लंबा है। पिक्चर की फर्स्ट हाफ की बात करते हुए, इस पिक्चर की जो फर्स्ट हाफ था वो मुझे काफी अच्छा लगे कंपेयर टू पिक्चर की सेकंड हाफ, क्योंकि पिक्चर की फर्स्ट हाफ में हमें कुंजली मड़क्कर की लाइफ को दिखाया गया है, कि भाई कैसे वो बड़े होते हैं और आगे चलकर कैसे इतना बड़ा एक आदमी बनते हैं, यानी कि ऑयडर बनते हैं, कैसे बनते हैं। और फर्स्ट हाफ की एंडिंग के टाइम पे जाके काफी अच्छा खासा लड़ाई हमें दिखाया गया है, जो कि पुर्तगाल के खिलाफ था, और उस लड़ाई के अंदर हमें जो मेन चीज देखना चाहिए थी, यानी कि जो समुद्र के अंदर जो लड़ाई होती है, उस लड़ाई को उस टाइम पे दिखाया गया है, जिसकी कोरियोग्राफी काफी अच्छी तरीके से किया गया था और मुझे पर्सनली काफी अच्छा भी लगा है। वहीं पर अगर बात करें पिक्चर की सेकंड हाफ की, तो पिक्चर की सेकंड हाफ में आपको ढेर सारे ड्रामा देखने के लिए मिलते हैं, जो कि मुझे थोड़ा थोड़ा बोर कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे जो सारा ड्रामा चल रहा था वो ड्रामा पूरी तरह से एक रूटीन ड्रामा था, जो कि मुझे उतनी कोई खास पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी प्रियदर्शन सर इतनी बेहतरीन तरीके से पिक्चर को डायरेक्ट किया है, जिसकी वजह से इस पिक्चर के साथ हमें जो एंगेज फील होना चाहिए था वो पूरी तरह से होती है, और 3 घंटे की रन टाइम वाली पिक्चर को आप एक ही झटके में खत्म कर देते हैं। उसके अलावा अगर बात करें इस पिक्चर की वीएफएक्स की, तो इस पिक्चर के अंदर हमें जो वीएफएक्स देखने के लिए मिलते वो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा है। लेकिन भाई कुछ लॉन्ग शॉट्स के टाइम पे वीएफएक्स का कमी फील हो रहा था, कि यार ये तो कार्टून सा लग रहा है। पर समुद्र के अंदर हमें जो बैटल देखने के लिए मिलते हैं पुर्तगाल के खिलाफ, उस टाइम पे जो वीएफएक्स यूज किया गया है वो मुझे काफी अच्छा लगा है। अब बात करें पिक्चर की सभी कैस्ट की एक्टिंग की, जो कि काफी हद तक नेचुरल था, और इस पिक्चर की एक्शन को काफी रियलिस्टिक तरीके से शूट करने की कोशिश तो किया गया है, पर कुछ जगह था जहां पर एक्शन रियलिस्टिक फील नहीं कर रहा था, जैसे कि मोहनलाल सर कैसे उड़ के जाके मारते हैं, उस टाइम पे मुझे लॉजिक का बहुत कमी फील हो रहा था। यार मोहनलाल सर कैसे इतनी अजंदर मनुष्य इतनी उड़ के कैसे जा सकते हैं। और इस पिक्चर की जो हिंदी डबिंग किया गया है वो काफी अच्छी तरीके से किया गया है, और इस पिक्चर के अंदर आपको बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड हर इंडस्ट्री के एक्टर देखने के लिए मिलेंगे। और भाई इस पिक्चर की जो क्लाइमेक्स था वो भाई प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि आप सभी को तो पता ही होगा कि भाई आखिर में जाकर क्या होता है। तो अगर ओवरऑल बात करो, मड़क्कल लायन ऑफ द अरेबियन सी एक ऐसी पिक्चर है जिसे आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली ये काफी बड़ी बजट की फिल्म है, और ये फिल्म अभी हिंदी में भी अवेलेबल है, तो भाई देखना तो बनते है। इस पिक्चर के हिंदी वर्जन फिलहाल अमेजन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, आप वहां जाकर पिक्चर को देख सकते हैं। तो बाय चांस अगर आपने पिक्चर को देख लिया है तो आपकी पिक्चर कैसी लगी है वो हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप देखना चाहते हैं तो भाई मैंने जो रिकमेंड किया हूँ वही करना, बाकी तो भाई आपकी मर्जी है। दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आज की वीडियो पसंद आने पर वीडियो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आज के लिए बस इतना था। बाय बाय टाटा।